वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरद्वारा साहिब पातशाही छेवी पवित्र स्थान ते आए हैं जी, जो कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दो बार अपने पवित्र चरण पाए। पहली बार सतगुरु जी 1622 ईस्वी च को माँ के महीने चंदू के नामक में निकेल डालकर मुश्क बांध कर लाहौर को ले जाते समय कुरुक्षेत्र पधारे और एक मिट्टी के टिल्ले पर सुमहित सरोवर सूर्य कुंड के किनारे डेरा लगाया। तो दूसरी बार भाई अलमस्त जी के पुकार सुनकर कि सिंधु ने सतगुरु नानक देव जी का महान स्थान नानक माता अपने कब्जे में कर लिया है और उसका नाम गोरख माता रख दिया है। सतगुरु जी अपने 50 सिंहों के साथ नानक मत पहुँचे और श्री गुरु नानक देव जी का यादगार पीपल जो कि सिंधु ने जड़ से उखाड़ दिया था उसके फिर से जीवित किया, जो कि आज तक कायम है। वापस आते समय सतगुरु जी ने कुरुक्षेत्र में इसी स्थान पर दूसरी बार चरण पाए। एक नेत्रहीन माई को आँखें की ज्योति बख्शी और एक फकीर का कुष्ठ रोग दूर किया। इस पवित्र स्थान पर आज गुरुद्वारा साहिब छेवीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर रहे हैं। आप जी को सूचित किया जाता है चैनल के माध्यम से, आप गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर रहे हैं जय ट्रैवल की तरफ से। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।